आइए जानते हैं सवाल में, सिद्ध कीजिए कि cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा बराबर 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। हम क्या करेंगे, RHS लेकर चलेंगे और LHS लाना है, इसको हल करना है, इतना लाना है। तो यहाँ पास हमको क्या करना है, लिखेंगे cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा, इसका कर देंगे प्रमेयीकरण, क्या कर देंगे प्रमेयीकरण, प्लस है तो माइनस लिख देंगे 1 माइनस sin थीटा। जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश बटे हर में दोनों में प्रमेयीकरण किया जाता है, तो 1 माइनस sin थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पास cos थीटा लिख देंगे, cos थीटा इसको ब्रैकेट में कर लेंगे 1 माइनस sin थीटा, उसी तरीके से अपॉन, अब देखो a, ये बिल्कुल लग रहा है a प्लस b a माइनस b, अब a प्लस b a माइनस b, अब b का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस साइन, साइन की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, वन का स्क्वायर तो वन ही रहता है इसलिए वन ही रखेंगे। यहाँ पास क्या करेंगे, कॉस थीटा ब्रैकेट में वन माइनस साइन थीटा अपॉन, अब हमको पता है कि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, यहाँ पास हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रखना क्या है, तो यहाँ पास हम कॉस थीटा को रूल लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पास क्या हम रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पास देखो एक कॉस, यहाँ एक है, यहाँ दो कॉस है, एक से कॉस है, कॉस थीटा कट जाता है तो ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट प्रूव।